दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिनोलॉजी स्कूप। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश सेमेस्टर 6 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीए ऑनर्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का पेपर दे रहे हैं। तो मतलब एक ही तरीके से बोल दें कि आप फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का अगर 6 सेमेस्टर का इंग्लिश का पेपर खोज रहे थे तो आप बिल्कुल सही वीडियो देखा है आपने। इसमें 2017 का पेपर अपलोड कर रहा हूँ, उसके इसी में तुरंत 2018 करूंगा, फिर 19 करूंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आपको ये बोलूंगा कि हमारे साथ आप जुड़िए और 2018 का पेपर देखने के लिए आप हमसे हमको वो करिए, फॉलो करिए। नहीं, आप ये पेपर सिर्फ फैन बेस्ड है। फैन बेस्ड क्यों है? क्योंकि लोग यहाँ इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं इस महामारी में। इसको पढ़ करके बताऊंगा कि यहाँ क्या लिखा है। ये सेंस के बाद यहाँ डू लिखा हुआ है, डू। तो आप पूरा क्वेश्चन को आप वो मिला लीजिए। और जहां तक बात रहा, और इधर आते हैं, अगर इंग्लिश के टोटल थर्ड ईयर में जाकर के सिर्फ इंग्लिश पढ़ना होता है और एक इंग्लिश के 6 पेपर होते हैं, इंग्लिश ऑनर्स होते हैं। इंग्लिश ऑनर्स अगर आपका है तो इंग्लिश ऑनर्स के 6 पेपर अपलोडेड हैं। आप यहाँ पे हमारे चैनल से आप प्लेलिस्ट में जाइए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। ये 2017 है, इसके बाद 2018 और 2019 पेपर अपलोड किया जाएगा। ऐसे ही करके इंग्लिश के सारे, ये 2017 हो गया, अब 2018 पेपर लाते हैं सामने आपके। ऐसे ही मैंने इंग्लिश के 6 सब्जेक्ट का, अगर आपका ऑनर्स है तो थर्ड ईयर में 6 सब्जेक्ट होते हैं एक इंग्लिश के पेपर में। इंग्लिश का पेपर तो एक ही सब्जेक्ट तो एक ही होता है, लेकिन पेपर 6 होता है। तो 6 पेपर का पूरा अपलोड कर दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं प्लेलिस्ट, और आप अपना पढ़ाई वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बाहर जाने की ज़रूरत क्यों नहीं? क्योंकि कोविड के दौरान अगर आप बाहर जाएंगे, दूसरे से मांगेंगे, कोई किसी को फ़ोन कर रहे हैं, कोई उठा नहीं रहा है, कोई आपको पेपर नहीं दे रहा है, तो आपको क्या लगता है कि पेपर मैं कैसे डाउनलोड करूँ या फिर किस साइट से जाके डाउनलोड करूँ? नहीं करने की ज़रूरत है। पॉज करके आप लिख सकते हो अपने पेपर के लिए, नहीं लिख सकते तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको लिखना है तो आप पूरा क्वेश्चन यहाँ से नोट डाउन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मैं 2018 दिखा दिया, 2019 की बातें करूँगा आपसे। 2019 का पेपर आपके सामने लेके आया हूँ, अमेरिकन लिटरेचर पार्ट 2 का। आप अगर इंग्लिश के नहीं हो, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के नहीं हो, तो आप हमें जिस फैकल्टी के आप हो, आप साइंस की फैकल्टी के हो, कॉमर्स के हो, SVDV के हो, जिस भी फैकल्टी के हो, आप हमें मैसेज करो कि मैं इस फैकल्टी का हूँ, इस सेमेस्टर का पेपर चाहिए, आप हमें अवेलेबल करा सकते हैं। बस आपको क्या लिखना है? फैकल्टी के लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सेमेस्टर लिखना है, हम आपको पेपर अपलोड कर देंगे और लिंक आपको भेज देंगे। बस आप हमको बताइए और हम वीडियो कैसे बेहतर बना सकें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो आप हमको जरूर कमेंट में जाकर के बोलिएगा कि नहीं, वीडियो आपने अच्छा नहीं बनाया, और भी बेहतर बन सकता था, तो हम उस तरीके से उसको प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये रहा इंग्लिश का, हम लोगों ने पूरा 6 पेपर इंग्लिश का कवर कर लिया, इसका मतलब ठीक है। ये लास्ट सेक्शन है अमेरिकन लिटरेचर जिसको मैं कवर कर रहा हूँ। इसके पहले मैं 5 पेपर का अपलोड कर दिया हूँ, तो जाकर के आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, और आपको जो भी चाहिए हेल्प आप हमसे मांगिए। और अगर आप इसको शेयर करेंगे, लोगों में बांटेंगे तो बहुत अच्छी जरूरत है, क्योंकि आप ही के दोस्त होंगे और स्टूडेंट क्लासमेट्स होंगे जिनको पेपर की जरूरत होगी, तो आप इन्हें जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।